अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आउटपुट, के आउटपुट क्या है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इनपुट क्या होती है और इनपुट के लिए हम कौन कौन से डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आउटपुट क्या है और आउटपुट की कितनी टाइप्स है, और लास्ट में हम देखेंगे कि आउटपुट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेज हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग Getting from the computer is called output. Anything getting के computer से जो भी चीज हम get करते हैं ना, हम computer से जो भी चीज लेते हैं वो हमारे पास output होती है। There are two types of output। हमारे पास यहाँ पे दो टाइपें होती हैं output की। एक output को हम कहते हैं soft copy output और दूसरी हमारे पास होती है hard copy output। जैसा कि इसके लफ्ज़ से जाहिर है सॉफ्ट कॉपी, तो इसका मतलब है कि जो सॉफ्ट फॉर्म में होगी ना वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगी। द आउटपुट शोज ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, के स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो आउटपुट हमें नजर आती है वो उसकी सॉफ्ट कॉपी होती है। इट इज नॉट टेंजिबल, कि ये टेंजिबल नहीं होती। टेंजिबल का मतलब है हम इसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी क्या होता है? द आउटपुट प्रिंटिंग ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, के पेपर की फॉर्म में जो चीज हमें प्रिंट की हुई मिलती है ना वो हमारे पास हार्ड कॉपी होती है। इट इज टेंजिबल, ये टेंजिबल होती है, इसे हम टच कर सकते हैं। हमें पता है कि जब कोई चीज हमें प्रिंट मिलती है तो हम उसे छू भी सकते हैं, कहीं पे ले जा भी सकते हैं। हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हम आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द डिवाइसेस आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं ना वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। हमने देखा था कि इनपुट प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है, डाटा पहले प्रोसेस होता है फिर इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। डाटा हमारे पास इनपुट बन गई है, प्रोसेस होने के बाद जब इंफॉर्मेशन हमें मिली है तो वो आउटपुट है। तो ये हमारे पास इसके डिवाइसेस लिखे हैं, स्क्रीन है जिसकी मदद से हम आउटपुट लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी में भी हम देख चुके हैं कि स्क्रीन पे हमें कोई चीज नजर आती है। प्रिंटर है, प्रिंटर की मदद से हम हार्ड कॉपी लेते हैं। स्पीकर है, स्पीकर की मदद से हमें आवाज वगैरह आती है, आउटपुट मिलती है। प्लॉटर्स वगैरह है जो नक्शे वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है किसी तरह का तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स। अल्लाह।